हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं क्लास लेकर आया हूं एनडीए के लिए। एग्ज़ाम है 14 नवंबर को, अब ज़्यादा दिन नहीं है, आज 1 नवंबर है, मात्र 13 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। तो चेक कीजिए अपने आप को। क्वेश्चन पहला है कि विद्युत स्थैतिक विभव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान से देखें कि आपसे पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे इस तरीके को मतलब पढ़ते नहीं हैं, और नहीं शब्द को ना पढ़ते हुए वो उसी क्वेश्चन को कर जाते हैं, तो गलत होता है। इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि नहीं पूछा है या निर्भर करता है ऐसे पूछा है, ये वर्ड ज़रूर देखना है, नहीं तो आता हुआ भी गलत हो जाता है, ठीक है। और इंग्लिश के स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी देख सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। आप जानते हैं V बराबर होता है W अपॉन Q, आप लोग जानते हैं, तो चार्ज पे डिपेंड करता है। इसके बाद कह रहा है फोर्थ नंबर पर, ये कार्य पर निर्भर करता है, यानी इट डिपेंड्स ऑन वर्क अमाउंट, यानी कि वर्क डन के अमाउंट पर निर्भर, तो वर्क पर भी निर्भर करता है, सही बात है। इसके बाद है इट सेकंड पॉइंट, अगर आप चेक करें सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द पाथ थ्रू वर्क डन, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि यह किए गए कार्य के पथ के छोर यानी कि बिंदुओं पर काम करता है, यानी कि पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो विभव होता है वो किसी बिंदु पर होता है, और दो बिंदुओं के बीच में जो विभव होता है उसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि ये बिंदुओं पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि उस बिंदु के बीच में कितने रास्ते हैं उन पर निर्भर नहीं करता, कि इस तरीके से कोई रास्ता है ए से बी पे जाने के लिए, या इस तरीके से कोई रास्ता है ए से बी पे जाने के लिए, या इस तरीके से कोई रास्ता है ए से बी पे जाने के लिए, इस बात पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल निर्भर किस पर करता है, एंड पॉइंट की स्थितियों पर, ठीक है। तो इसमें आंसर देना था कि निर्भर नहीं करता, तो बिल्कुल सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ओनली थ्री इज करेक्ट, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आंसर हमसे गलत ही पूछा है। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलेंगे, आगे का क्वेश्चन देखें कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाएंगे। बच्चों मिराज इज एन एलिस्ट्रेशन ऑफ, यानी कि मिराज एक चित्रण है, किसका चित्रण है, किसकी वजह से होता है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं केवल प्रकाश के फैलाव के कारण, केवल प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, या अपवर्तन प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आप लोग सही लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब कोई किरण यानी प्रकाश किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो प्रकाश में ऐसी घटना होती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसका थोड़ा सा मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, इस तरीके से समझेंगे कि देखिए ये क्या है, डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में रेत के पास की जो वायु है ये हॉट एयर है यानी कि गर्म वायु है, और ये ऊपर की इससे ठंडी वायु यानी कोल्ड वायु, तो ये डेंसर मीडियम का काम कर रही है, और ये रेयरर मीडियम यानी कि सघन माध्यम है। ऊपर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और नीचे है विरल माध्यम, कौन सा माध्यम, विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, ये अपवर्तन के बाद अवलंब से दूर हटती हुई आती है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारा आपतन कोण आई क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट आती है। तो ऐसी प्रकाश की किरण आ रही थी अवलंब से दूर हटती ऐसे हो जाती है, तो आदमी को क्या लगता है, ऐसे नीचे से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसको नीचे की ओर डायग्राम दिखता है, यानी जो पेड़ पौधे या जो भी घर था ये जो ऊपर बना हुआ था यहाँ पर, वो उसको इसके नीचे दिख रहा है, यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, तो ये उल्टा दिख रहा है, यानी कि उसको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है जिसमें ये डायग्राम बन रहा है। तो ऐसा रेगिस्तान में लोगों को लगता है, इसका कारण है हमारा अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, एनडीए का एग्जाम में, प्रकाश वर्ष बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइट ईयर, लाइट ईयर के बारे में बताएं। तो पहला है कि प्रकाश वर्ष बहुत
बहुत बड़ी दूरी के मापन की इकाई है। दूसरा कह रहा है प्रकाश वर्ष बहुत बड़े समय अंतरालों के मापन की इकाई है। तीसरा कह रहा है प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता के मापन की इकाई है, यानी कि यूनिट के बारे में बात चल रही है कि यूनिट किसका है, लाइट प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला वाला, ओनली वन इज करेक्ट, यानी कि पहला वाला आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी जो दूरियां होती हैं उनको नापने के लिए काम में आता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी, यानी कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये सब लाइट ईयर में मापी जाती हैं। लाइट ईयर के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है कि एक लाइट ईयर में कितना क्या होता है। तो देखिए, वन लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर। अगर हम 10^3 और ऐड कर दें 10^15 मीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10^15 मीटर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 10^15 मीटर। अगर हम मीटर में बात करें तो क्या हो जाएगी? पावर 15 हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है, मीटर 10^15 मीटर, किलोमीटर में 10^12 रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला हमारा है कि इस क्वेश्चन में क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ ए वाटर एटमोसफियर प्रेशर इज करेक्ट, यानी कि वायुमंडल दबाव में, वायुमंडल दबाव में पानी के घनत्व के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बात बिल्कुल सही आती है कि 4 °C पर पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 1000 g/m³ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 °C पर पानी भारी हो जाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि जो बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है, पानी का जो 0°C पर जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि जो बर्फ़ है वो पानी पर तैरती है। ठीक है, बर्फ़ क्या है? पानी पर तैरती है। ये भी एक कारण है, रीज़न है। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा। आयतन क्या होगा? आयतन 4 °C पर कम होगा बेटा। अगर ये पूछ लेता घनत्व क्या है, घनत्व ज़्यादा होगा और आयतन क्या होगा, आयतन यानी कि वी क्या होगा, कम होगा। वी सबसे कम आयतन 4 °C पर होता है। किसका? वाटर का। ठीक है, वाटर का। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? जल का असंगत प्रसार भी कहते हैं। जल का असंगत प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? जल का असंगत प्रसार कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, यही घटना कहलाती है जल का असंगत प्रसार। आगे बढ़ेंगे, और इसमें पूछा है आप लोगों से निम्नलिखित में से, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल फिनोमिनन एंड द डिस्कवर इज आर करेक्टली मेथड, यानी किसने करेक्टली मैच्ड, किसने किसको डिस्कवर किया है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है, वो बताना है। तो जेम्स चैडविक ने आपको पता है न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी? न्यूट्रॉन की। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहा है तो ये गलत हो गया। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो भाई ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? ये न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रॉन ऊपर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो मैरी क्यूरी ने बिल्कुल सही बात है, रेडियम की खोज की थी, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि रेडियो एक्टिवता के जनक भी कहे जाते हैं मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिवता के मामले में। तो आगे इसका आंसर सही आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन तीन यानी कि ओनली 3 करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का वीडियो का क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, LED का पूरा नाम पूछ लिया है। ऐसी फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं, तो आप लोग कुछ फुल फॉर्म याद करके जाएंगे। जैसे लेज़र की फुल फॉर्म याद आपको करनी है, LESER, लेज़र, LASER, लेज़र। और मेज़र भी होता है, एक मेज़र की भी स्पेलिंग आपको याद करनी है। ठीक है, लेज़र और मेज़र। ठीक है, तो इसका तो लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड और एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर LED की फुल फॉर्म होती है बेटा, क्या आप लोगों ने सही लगाया होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। घर्षण बल एक संपर्क बल है जबकि चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है। अर्थात स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी संपर्क बल और असंपर्क बल, यानी कि गैर संपर्क बल की बात चल रही है। तो ये स्टेटमेंट कब के लिए सत्य होता है, यानी कब सत्य होता है? तो ये हमेशा सत्य है, ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य रहता है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा
तापमान संभव है, यानी कि न्यूनतम तापमान संभव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, कौन सा पॉसिबल है? तो सही आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, जो होता है वो शून्य टेम्परेचर होता है। इसी टेम्परेचर को हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको हम कहते हैं हिंदी में परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप, यानी कि ये जीरो केल्विन है। केल्विन में बात करें तो जीरो है, और डिग्री में -273 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य ताप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इनमें से परम शून्य ताप कौन सा है, तब भी यही आंसर होता -273 डिग्री सेल्सियस, ना कि ये वाला हो जाता है ना। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे लिखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि संख्यात्मक रूप से दो थर्मामीटर, यानी कि दो थर्मामीटर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दो पैमाने हैं, दोनों का समान ताप पढ़ा जाता है, तो ऐसा कौन सा तापमान होगा जिसमें दोनों में रीडिंग इक्वल आ जाए? तो आप लोग जानते हैं ऐसा केवल और केवल -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादातर याद रखें, और ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा -40 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉर्मूला है हमारा इसके लिए C/5 F-32/9, यानी C/5 F-32/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे कहा गया है कि सेल्सियस और फारेनहाइट में वैल्यू सेम है, तो इसको भी मैंने x मान लिया और इसको भी मैंने x मान लिया, तो यहाँ पर हो गया X/5, यहाँ हो गया X-32/9। जब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद 4×16 -40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में हम जो छवि देखते हैं वह है, वो कैसी छवि है जिसको हम देख रहे हैं? तो आप लोग जानते हैं समतल दर्पण में जो होता है, समतल दर्पण में क्या होता है कि जितना कोई भी वस्तु, ये समतल दर्पण है, मान लेते हैं ये क्या है, एक समतल दर्पण है जिसके पीछे हमने ये पॉलिश कर दी है। ये क्या है, हमने समतल दर्पण पर क्या कर दी, पीछे से ये पॉलिश हो रही है इसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होगी, ये ए रखा हुआ है यहाँ पर, तो इससे जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है दर्पण में, इसका प्रतिबिंब उतना ही दूर पीछे बनता है और उल्टा बनता है, यानी कि ए, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये ऐसे लिखा होता 7, तो ये उल्टा हो जाता, कैसे हो जाता, ऐसे हो जाता, ठीक है, ऐसे हो जाता 7। बात समझ में आ गई होगी, यानी कि उल्टा बनता है, और ये हकीकत में तो नहीं बन रहा क्योंकि दर्पण के पीछे तो हम जा ही नहीं सकते ना, तो ये क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, यानी कि इसका आभास हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा और आभासी। क्या है इसका सही आंसर? तीसरा वाला ऑप्शन सही है, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टी होती है। यानी कि अगर कोई मिरर के सामने खड़ा होकर कोई आदमी अपने राइट हैंड को हिलाए तो उसको लगेगा कि अपना लेफ्ट हैंड उसने उठाया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है कि ये आदमी है ये अपना राइट हैंड देख रहा है इस तरफ है, जबकि वहाँ दर्पण में इसका राइट हैंड इस तरफ चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि राइट के सामने इसका लेफ्ट हैंड आ जाता है और लेफ्ट के सामने राइट हैंड आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है दर्पण में, यानी कि प्लेन मिरर में होता है। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि रदरफोर्ड के जो अल्फा पार्टिकल का, यानी कि अल्फा कण का जो प्रकीर्णन का प्रयोग था, उसमें से कौन सा कथन का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कौन निष्कर्ष नहीं है? तो पहली बात कह रहे हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली यानी खोखला होता है, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस होता है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण इसको पार करके निकल जाते हैं सीधे, बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाते हैं, दैट मीन्स ये खाली है, एम्प्टी है। और इसके बाद परमाणु की त्रिज्या, ये कह रहे हैं परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की 105 गुनी होती है, बिल्कुल सही बात है, यही बता दिया था, ठीक है। इसके बाद आगे बात आती है बात इसकी कि इलेक्ट्रॉन को निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय पथ में चलने को उनकी कक्षा कहते हैं, यानी कि जो वृत्तीय पथ में चल रहे हैं, चाल से चल रहे हैं, उसको कक्षा कहा जा रहा है। तो ये बात गलत है, ये यहाँ से नहीं मिलती है, ये बात मिलती है बोर्स एक्सपेरिमेंट से। जो बोर्स साइंटिस्ट थे उन्होंने आके ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल में अपना चक्कर लगाते हैं वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, उसका कोणीय संवेग H/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, मल्टीपल होता है H/2π का। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो भी गलत है कि परमाणु के लगभग सभी द्रव्यमान नाभिक में होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये भी बात सही है। तो हमसे पूछा है कि निष्कर्ष नहीं है, ये वाला ध्यान से देखा करें, वर्ड कौन सा हमसे पूछा है, इसमें नहीं बोला है, क्या बोला है, नहीं, तो नहीं के लिए सही आंसर आएगा तीसरा वाला नहीं है, ये गलत है।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ग्लास है, एक ग्लास प्रिज्म सफेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है। इस घटना को, यानी कि श्वेत प्रकाश किरण आ रही है और इस उसको विभिन्न रंगों में तोड़ देता है, यानी कि वर्ण विच्छेपण की बात हो रही है, वर्ण विच्छेपण हो रहा है। तो वर्ण विच्छेपण में कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा सत्य है? तो आप लोग सभी देख सकते हैं कौन सा कथन सत्य होगा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो बैंगनी रंग की किरण है वो सबसे ज़्यादा झुकती है, और किस वजह से झुक रही है? अपवर्तन की वजह से झुक रही है। तो बैंगनी रंग की किरण सबसे ज़्यादा झुकेगी, विचलन करेगी, और किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको बताना चाहें तो कुछ इस तरीके से बताया है कि ये हमारा एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश किरण आ रही है। कौन सी? श्वेत प्रकाश किरण आ रही है, इस तरीके से ये श्वेत प्रकाश किरण आ रही है। श्वेत प्रकाश किरण आने के बाद क्या होगा कि जो बैंगनी रंग की है, कुछ इस तरीके से ऐसे आएगी और आधार की ओर झुकती हुई चली जाएगी, ठीक है। जबकि हमारा जो लाल रंग की होगी, वो लाल रंग की ऐसे करके आएगी, और आधार की ओर कम झुकेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बैंगनी रंग की किरण क्या हो रही है, ज़्यादा झुक रही है, बैंगनी रंग की ज़्यादा झुक रही है, और लाल रंग की क्या हो रही है, कम झुक रही है। तो यहाँ से इसका जो ये जो किरण जा रही है ऐसे करके, यहाँ से ये सीधी प्रकाश किरण आ रही थी, इससे यहाँ से नापते हैं कि ये विचलन कोण हो गया डेल्टा वी। डेल्टा वी किसके लिए? बैंगनी रंग के लिए। और ये वाला विचलन हुआ किसके लिए? डेल्टा आर, यानी कि रेड कलर के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जैव ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं हो सकता? तो सीधी सी बात है, नाभिकीय रिएक्टर नहीं हो सकता, बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब जैव ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि सितारे क्यों टिमटिमाते हैं? ट्विंकल, ट्विंकल का क्या रीज़न है? ट्विंकलिंग स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, किस वजह से होता है ट्विंकल, यानी कि सितारों का टिमटिमाना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए? समुद्र की विशेष आवृत्तियों के कारण ये नहीं होगा, समुद्र की सतह के ये भी नहीं होगा, ये ऐसा भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र से ये भी नहीं है। तो कौन बचा? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऐसा होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से क्यों होगा? बिल्कुल सही बात है, इसी से होगा कि जब तारे हमारे हमसे बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, तारे क्या है, एक पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं, पॉइंट जैसे पॉइंट सोर्स है जो चमक रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारी पृथ्वी यहाँ पर है मान लो, तो इसमें क्या होता है बच्चों की बहुत सारी ये लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स को पार करके जो रे है वहाँ से चल रही है किरण, वो इनको पार करती हुई यहाँ तक आती है। तो बहुत से लेयरों का जो डेंसिटी है, अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन चेंज होता है। एन चेंज होने की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो गति होती है चाल की, इसकी जो गति है और गति की दिशा, ये क्या है, बदलती रहती है, गति और गति की दिशा बदलती रहती है, इसीलिए वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी प्रकाश की जो किरण आ रही है उसकी गति और गति की दिशा, बदलती रहती है, इस वजह से हमें ये चमकना दिखाई देता है, चमकता हुआ यानी टिमटिमाता हुआ, चमकता तो वही टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी ए फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, यानी कि इनमें से कौन ध्वनि की आवृत्ति का फॉर्मूला नहीं, आवृत्ति का जो मात्रक है वो नहीं है, यानी कि यूनिट इकाई नहीं है। तो कौन है, देखिए बच्चों, इसका सेकंड इन्वर्स होता है, और इसका एच जेड हर्ट्ज भी होता है, और हम सेकंड इन्वर्स की जगह, अगर हमारे पास सेकंड नहीं है, मिनट दिया हुआ है, तो मिनट इन्वर्स लिख सकते हैं बिल्कुल। ये तीनों के तीनों आवृत्ति के मात्रक हैं, यूनिट हैं, लेकिन जो डेसिमल है वो नहीं है। डेसिमल किसका है फिर? डेसिमल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता का, किसका है, ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन, यहाँ आंसर से ही एक और क्वेश्चन बन के आ गया आपके लिए कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बीट्स यानी कि जो स्पंद हैं, स्पंद एक घटना है जो तब होती है जब हार्मोनिक यानी कि जो सरल आवर्त तरंगे हैं उनकी आवृत्तियाँ होती हैं। आवृत्तियाँ कैसी होती हैं? बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका, लगभग समान। तो लगभग समान आवृत्ति की जो तरंगे हैं एक किसी माध्यम में चलती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, स्पंदन होता है। क्या होता है? स्पंदन होता है, यानी कि बीट्स बनते हैं इस तरीके से, ये बीट्स बनते हैं, ठीक है। ये बता देते हैं डायग्राम के अनुसार, देखिए ये डायग्राम है।
तो यहाँ पर क्या है कि लगभग समान आवृत्ति की जो तरंगें चल रही हैं ऊपर, ये दोनों तरंगें चल रही हैं और उनकी वजह से क्या बन रहा है, ये बीट्स बन रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बीट्स। तो इस तरीके से ये हमारा बीट्स का एक एग्जाम्पल था। इसके बाद है प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगें वायु कांच की सीमा पर आपतित होती हैं और कुछ प्रकाश तरंगें परावर्तित होती हैं और कुछ कांच में अपवर्तित हो जाती हैं। तो निम्न में से कौन सा जो गुण है अपवर्तित और आपतित और अपवर्तित तरंग दोनों के लिए समान रहेगा, तो ऐसा कौन सा है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। जो आवृत्ति जो आंसर है, आवृत्ति फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। क्यों? कि आवृत्ति एक ऐसा गुण है जो मीडियम चेंज होने पर बदलता नहीं है, यानी कि इधर जो भी है आवृत्ति वही इस तरफ भी आवृत्ति होगी, यानी ऊपर वायु है और नीचे क्या है, कांच है, नीचे कांच है, तो क्या रहेगा कि वायु और कांच की फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। ये लाइट का अपना एक प्रॉपर्टी है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी चाल, गति की दिशा, रंग धैर्य सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कौन नहीं बदलेगा? फ्रिक्वेंसी, यानी कि न्यू नहीं बदलेगी, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सरल आवर्त गति के दोलित्र के लिए सही है, कौन सही है? तो माध्य, पहला ऑप्शन है कि माध्य स्थिति से विस्थापन के लिए अनुपातिक और उसी दिशा में होता है, ये गलत हो गया भैया, ये गलत हो गया। जो विस्थापन होता है माध्य स्थिति से, विस्थापन जो होता है माध्य स्थिति के विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। जो बल की बात चल रही है, बल, ठीक है, जो बल लगता है किस में? विपरीत दिशा में लगता है। समानुपात आनुपातिक तो होता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है, तो समान दिशा हो गई इसलिए गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? विपरीत दिशा वाला ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। तो हमें क्या बताना है? इसमें सही बताना था, ऑप्शन नंबर टू आंसर सही हो जाएगा कि जो बल अभिनय माध्य स्थिति से विस्थापन के आनुपातिक और उसकी विपरीत दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको सभी बच्चे कर देंगे जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि आप लोगों से, कि अगर आपका एग्जाम 14 नवंबर को है तो आपकी इतनी तैयारी होगी कि इस सवाल को आप लोग कर दोगे आसानी से। टी दे रखा है हमें कितना, 10 मिनट दे रखा है। टी कितना दे रखा है? 10 मिनट दे रखा है। और आई दे रखी है आपको कितनी, 1 एम्पियर। आई दे रखा है 1 एम्पियर। तो आपसे पूछा है कि इस परिपथ में विद्युत आवेश Q बराबर फॉर्मूला होता है बेटा IT। क्या फॉर्मूला होता है? Q बराबर IT। क्यू बराबर क्या होता है? IT, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 एम्पियर। और समय कितना दे रखा है? 10 मिनट। इंटू 60 सेकेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 60 यानी 600 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Q = 60 यानी कि 600 कूलम। क्या आंसर आ गया? 600 कूलम आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो सूत्र है वो विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि पावर को कौन डिनोट नहीं करता? तो देखिए बच्चों, पावर के तीन फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला होता है P = VI। क्या होता है? VI। इसके बाद हम जानते हैं V = IR। क्या होता है? V = IR। तो यहाँ से अगर मैं IR रखूँगा तो ये हो जाएगा I²R, यानी कि ये भी हो गया 1, 2। और तीसरा और होता है कि अगर मैं इसमें R से ऊपर और R से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बनता है हमारे पास P = और ये तीसरा ऑप्शन P = हो जाएगा I²R², ये हो जाएगा I²R², तो ये हो जाएगा V²/R। क्या बन जाएगा? V²/R। तो 1, 2, 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा वाला नहीं है? ऑप्शन नंबर टू गलत हो गया, ऑप्शन नंबर टू नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर है कि जो टू ऑप्शन है वो प्रतिनिधित्व नहीं करता। और आज की क्लास का ये लास्ट अभी तो है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास कि एक बड़े हॉल में निर्मित ध्वनि बार बार परावर्तित होने के कारण बनी रहती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? बार बार परावर्तित होने से बड़े से हॉल में वो आवाज़ बनी रहती है जिसको हम कहते हैं आवाज़ का गूंजना, वो क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है, यानी कि रिवर्बरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, विक्षेपण क्या होता है? तो विक्षेपण अभी आपने पढ़ा था कि जब प्रिज्म में एक प्रकाश किरण डाली जाती है, सबसे प्रकाश किरण डाली जाती है और विभिन्न रंगों में, यानी कि 7 रंगों में निकलती है, उन 7 रंगों का क्रम क्या है? VIBGYOR, ये आपका फॉर्मूला है VIBGYOR।
इस क्रम से हम क्या प्राप्त करते हैं, इस क्रम से हम प्राप्त करते हैं तरंग दैर्ध्य। ये क्या है, तरंग दैर्ध्यों का घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, फिर बड़ी तरंग दैर्ध्य, फिर बड़ी और सबसे बड़ी होती है रेड कलर की। ठीक है, तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, इसके बाद अपवर्तन क्या होता है, आप लोग जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी गति की दिशा और चाल, तरंग दैर्ध्य सब कुछ बदल जाती है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। विवर्तन किसको कहते हैं, विवर्तन जब प्रकाश किसी छोटे किसी अवरोध से टकरा कर निकलता है तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर एक छिद्र है, यहाँ पर एक छिद्र है, मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा छिद्र कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमने हल्का सा छिद्र कर दिया ये। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो छिद्र आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से क्या है कि अगर हम लाइट रे इसमें एंटर कराएं, क्या कराएं, लाइट रे। तो देखिए यहाँ पर हम लाइट रे को लाते हैं, ये मैं पीले कलर में लाइट रे को लेके आ रहा हूँ। इस तरीके से लाइट रे आ रही है हमारी, इस तरीके से जब यहाँ पर आएंगी तो इस अवरोध से टकरा के क्या होगा, इस अवरोध से ये करके ऐसे करके फैल के हुई जाएंगी। ठीक है, और कुछ किरणें सीधी निकल जाएंगी लाइट रे की। ठीक है, तो इस तरीके से ये किरण जा रही हैं, इस तरीके से ये प्रकाश है ये फैलता हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये प्रकाश आया और यहाँ से पार होता हुआ इस तरीके से इस शेप में जाएगा। तो प्रकाश का इस तरीके मुड़कर जाना ही क्या कहलाएगा, हमारा विवर्तन कहलाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक अणु द्वारा प्रकाश को प्रकीर्णित किया जाता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है, तब इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है इसका, रमन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 रमन इफेक्ट में ये रमन जी ने ये बताया था कि जब ये घटना होती है तो उसमें हमारे पास उस प्रकीर्णित प्रकाश की दो आवृत्ति बनती है, न्यू प्लस माइनस न्यू डैश ये मिलती है। यानी कि एक आवृत्ति होती है जो न्यू से यानी वास्तविक आवृत्ति से ज़्यादा होती है और एक आवृत्ति हमें मिलती है जो ज़्यादा जो मेन आवृत्ति से कम होती है। तो इस तरीके से आवृत्तियों में चेंज बताया था उन्होंने, और इस तरीके की आवृत्ति को जो रेखाएँ आई थी उन रेखाओं को रमन रेखाएँ कहते हैं या रमन लाइन कहते हैं उन रेखाओं को। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यहाँ पर बताया भी गया, ये देखिए डायग्राम, ये लेज़र आ रही है हमारी। लेज़र आने के बाद क्या होता है, ये स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग के बाद क्या हो रहा है कि एक तो ये निकल गई, एक ये निकल गई। ठीक है, और एक ये है अपनी जो लेज़र थी। लेज़र में क्या होता है, पहले जो बताया जाता था कि प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या रहती थी, जो तरंग दैर्ध्य आ रही है वही तरंग दैर्ध्य थी। यहाँ पर भी देखो वही तरंग दैर्ध्य है, लेकिन जब रमन जी ने बताया तो यहाँ पर ये नीले रंग में दिखाई गई है एक तरंग दैर्ध्य, ये है जिसमें बताया गया है कि लेमडा जो स्कैटरिंग है, ये जो स्कैटरिंग है लेमडा स्कैटर लाइट की है, वो क्या है, लेस देन है किससे, लेज़र से, यानी आने वाली से लेज़र से कम है। यानी कि न्यू माइनस वाली है, ये कौन सी हो गई, माइनस वाली, और ये वाली हो जाएगी प्लस वाली। इसमें क्या है, स्कैटरिंग वाली जो रे है, स्कैटरिंग वाली उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, लेज़र यानी कि जो हमारा आ रहा था उससे ज़्यादा है। तो ये रमन लाइन है, एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही, ये रमन इफेक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, आज की ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। इसको आप शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी तैयारी कर रहा है आपके साथ उनके साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, 9758722444। आप इस नंबर पर